That's why I called it India's most beautiful highway. हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ड्रीम कश्मीर व्लॉग्स। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, अपने घर में खुश होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही बढ़िया होने वाला है आपको। ये यहाँ से पुलवामा कट, यहाँ से आप जा सकते हो शुपयान पुलवामा के लिए। अभी देखो येलो येलो सा दिख रहा है, यह है मस्टर्ड फ्लावर्स जो आपको येलो येलो सा दिख रहा है, यही इस हावे की खूबसूरती बढ़ा रहा है। अगर पेड़ी फील्ड्स होते वो भी इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। जो भी इसमें पेड़ जो कुछ भी है कश्मीर में सब खूबसूरत ही खूबसूरत है। मस्टर्ड फूल की स्मेल आ रही है मुझे। आगे आने वाली है सैफ्रॉन वुड भी आगे आने वाली है। ये है सैफ्रॉन लैंड जहाँ पे सैफ्रॉन की कल्टीवेशन हो रही है। आज यहाँ पे देखो देखने को मिल रहा है आपको मस्टर्ड के फूल, यहाँ पे मस्टर्ड देखने को मिल रहा है। येलो ही येलो है पूरी लैंड, बहुत दूर दूर मुझे लगता है इसमें इतने स्टेडियम बनेंगे कि पूछो मत, इतना बड़ा है। यहाँ पे आज थोड़ी सिक्योरिटी है, यहाँ पे ज़्यादा रुकने नहीं देते हैं। मैंने लास्ट टाइम इसका सुपरिंग व्यू भी डाला है, मैंने आप जाके चेक करें वो व्लॉग भी, बहुत ही प्यारा है। अच्छे से मैंने उसको उस दिन एक्सप्लोर किया है और सैफ्रॉन का टाइम जब था तब भी मैंने इसको एक्सप्लोर किया है। वो वीडियो भी आप चेक करें, कितना खूबसूरत नजारा है इसका। इंडिया का सबसे खूबसूरत हावे, ऐसे हावे आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं। वो कितना प्यारा है, यहाँ से पहाड़ दिख रहा है भाई साहब। ये है केसर का एरिया जहाँ पे आप केसर खरीद सकते हो, यहाँ पे आपको सस्ता केसर मिलेगा। अभी हम आगे चलते हैं और पहाड़ों के बिल्कुल दामन में है, हम अभी पहुंच गए पहाड़ों के नजर। आगे आने वाला है अवंतीपुरा, लेकिन हमें अवंतीपुरा के बाहर से जाना है बाईपास से ही। तो भाई यहां से व्यू चेक करो भाई, ये देखो कैसे घूम रहे हैं भाई साहब। ये यहां से आ रहे हैं, वो वहां से आ रहे हैं, क्या खूबसूरती है भाई साहब, क्या खूबसूरती है। ये जो पेड़ है इनकी भी अलग सी ग्रीनरी होती है, बहुत ही जबरदस्त वाली ग्रीनरी होती है इनकी। ये रही झालम दरिया, ने प्यारे नजारे मिलेंगे आपको इसके, पूछो मत। क्लाउडी मौसम है आज, थोड़ा मौसम खराब है। वर्ल्ड्स बेस्ट हावे नहीं माना जाएगा तो क्या यार। अभी जब इसके ये तैयार होंगे, ये बीच में जो पार्टीशन है पेड़ वगैरह जो तैयार होंगे, तब ये और भी खूबसूरत लगेगा, क्योंकि न्यूली कंस्ट्रक्टेड हावे है ये। ज्यादा टाइम भी इसको नहीं हो गया, इनमें टाइम लगेगी थोड़ी ग्रोथ में। नजारे तो आपको मिलेंगे इंडिया में भी, लेकिन ऐसा मौसम वहाँ पे नहीं मिलेगा, और ऐसे पहाड़ नहीं मिलेंगे, और ऐसे पेड़ नहीं मिलेंगे वहाँ पे। ये मस्टर्ड तो आपको मिलेगा इंडिया में बहुत जगह, लेकिन ऐसे नजारा नहीं मिलेगा। That's why I called it India's most beautiful highway. ये चेक करो भाई साहब, अल्फाज नहीं है मेरे पास इसको बयान करने के लिए, कितना खूबसूरत है ये। क्या बात है यार, कितना खूबसूरत आ रहा कश्मीर, ये देखें, बहुत ही बढ़िया, देखने के लायक है। था अवंतीपुरा, हम इसके बाहर से निकल गए। ये जो हावे है ये साउथ में आता है, ये वाला हावे रोक दिया यार फिर से। जो ये सारा एरिया है इतना जाता है ये एरिया बैट बनाने में, और यहाँ के जो बैट है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं। ये फैक्ट्रीज है बैट्स की और शोरूम्स भी है, आपको कम कीमत में यहाँ पे बैट मिलेगा, वो भी ओरिजिनल। साइड बाय साइड में ही आपको ये जहलिम देखने को मिलेगी, ये इसी के साथ चलती रहती है, ये सावे के साथ आपको ये भी देखने को मिलेगी साइड बाय साइड। जो ये बैट की मैं बात कर रहा था, इनके शोरूम्स यहाँ पे है।
ऑर्डर पे बेड बना भी सकते हो, जैसे आपको मर्जी वैसे। मैंने इसकी स्टिकर्स आप अपने लगा सकते हो, कितना वेट आपको बेड में चाहिए, कम ज़्यादा, तो यहाँ से आप बेड खरीद के जा सकते हो। और ये है संगम। संगम इसलिए बोलते हैं, तीन रिवर्स यहाँ पे मिलते हैं इसलिए इसको संगम बोलते हैं, जो बड़ा जहलिम बनाते हैं। ये देखिए यहाँ से भी हवा की खूबसूरती आप देख सकते हो। ये जो पेड़ है यहाँ पे, जो इसमें लगाया है डिवाइडर में जो पेड़ है, जब ये बड़े हो जाएंगे तब इसकी खूबसूरती और भी खतरनाक होगी। तो ये थी इस हवे की खूबसूरती। तो अब हम यहाँ से जाएंगे बिजबिहारा के बीच से, तो जो बाईपास है वो कट होगा। हम इस व्लॉग को मुझे लगता है यहीं पे एंड करते हैं। होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।